Hello children, welcome in today's music class. I am Bhagyashree, your music teacher. So, last period में मैंने आपको राग दुर्गा का अलंकार सिखाया था. तो इस period में हम सीखने वाले हैं राग दुर्गा बंदिश. जैसे कि राग भूख में बंदिश मैंने सिखाया था लख छवि सावरिया. बंदिश में उस राग में ताल के साथ जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको बंदिश बोलते हैं, जिसको बंदिश किया जाता है शब्दों के जरिए उस राग के टोनिंग में. जैसे अब हमने राग भूप का सीखा था लख छवि सावरिया, वैसे ही राग दुर्गा का आज मैं बंदिश आपको सिखाने वाली हूँ. उससे पहले हम सीखेंगे राग दुर्गा का, फिर से एक बार इंफॉर्मेशन देखेंगे. राग दुर्गा, अब राग दुर्गा कौन से थाट से आता है? राग दुर्गा का थाट है बिलावल थाट. इससे पहले मैंने थाटों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें से जो बिलावल थाट है उस थाट से राग दुर्गा की निर्मिति हुई है. नेक्स्ट राग दुर्गा, इसकी वादी स्वर है मध्यम. मध्यम मीन्स म, संवादी षडज. षडज मीन्स सा. थाट, वादी संवादी जाति, इसके बारे में इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है. अब इसके जाति, राग दुर्गा की जाति है ओडव. ओडव आरोह में भी फाइव, ओडोडो मीन्स आरोह में कितने नोट्स है? फाइव नोट्स. और अवरोह में भी फाइव नोट्स ही है, इसलिए इसकी जाति ओडव ओडव है. नेक्स्ट आता है समय, इसका समय है राग दुर्गा का समय रात का दूसरा प्रहर. अब लास्ट में आता है इसके आरोह अवरोह. फिर से एक बार हम इसके आरोह अवरोह देखेंगे. सारे माप धसा, अवरोह साध प म साध प म रेसा. अब इसमें फर्क क्या है? इसमें दो स्वर क्या हुए हैं? वर्जित हुए हैं. वो कौन से हैं दो स्वर वर्जित? वर्जित स्वर कौन से दो है? ग और नी. ये दो सुर क्या है इसमें? बिल्कुल ही नहीं है. ये हो गया राग दुर्गा की इंफॉर्मेशन. थाट बिलावल, वादी स्वर मध्यम, मतलब इसका जो किंग नोट है वो क्या है? मध्यम है. संवादी षडज, उसके बाद जो इंपॉर्टेंस का नोट है वो है षडज.
नेक्स्ट जो है जाति, इसकी जाति इसमें आने वाले सुरों पर से इसकी जाति फिक्स हुई है। इसमें आरोहों में 5 नोट्स है और अवरोहों में 5 नोट्स, मीन्स औडव औडव। इसका समय है रात का दूसरा प्रहर। आरोह सारे मापा धसा, अवरोह सेम सा ध प म रे सा उल्टा। वर्जित, इसमें कौन से सुर नहीं है, वर्जित स्वर ग एंड नी। अब इस राग में हम सीखने वाले हैं बंदिश। बंदिश मतलब जो ताल के साथ इन उस राग के स्वरों में ही जिस शब्दों की रचना की होती है, ताल के साथ बंदिश में उसकी रचना की होती है, उसको बंदिश कहते हैं। उस राग का उसमें उसके स्वरों के अनुसार, उसका नेचर, उसका स्वभाव के अनुसार उसकी रचना की होती है। और ये जो बंदिश होते हैं वो सभी कृष्ण लीलाओं पर आधारित होते हैं। इसमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही सभी गाने बनाए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने राग धूप का सीखा था लख छबि सांवरिया। सांवरिया किसे कहते हैं हम, सांवरिया कृष्ण को कहते हैं। उसमें कृष्ण के कैसे कृष्ण दिखता है उसका वर्णन था। आज हम देखेंगे राग दुर्गा में वही कृष्ण के कृष्ण पर आधारित गीत मन मोहन मुरली वाला। मोहन किसे कहते हैं, कृष्ण को ही कहते हैं। मन मोहन मुरली वाला, मुरली वाला भी कृष्ण ही है। मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला। सखी कहते हैं कि देखो सखी, ये जो मन मोहन मुरली वाला है वो कैसा है, काला है। पहले हम दो ये जो इसे कहते हैं स्थाई, स्थाई मतलब जो गाने का स्टार्टिंग के जो लाइन होते हैं, जो गाने में बार बार रिपीट होते हैं उसे स्थाई कहते हैं। पहले के जमाने में जो बंदिश बनते थे वो चार चार स्टांजाओं के बनते थे, और उसके लिए वहां पर नाम भी थे। फर्स्ट था, फर्स्ट जो स्टांजा था उसको स्थाई बोलते थे, फिर सेकेंड जो स्टांजा था उसको अंतरा बोलते थे, तीसरा संचारी और चौथा अभोगी, जो लास्ट स्टांजा था। चार चार स्टांजाओं के पहले के जमाने में बंदिश हुआ करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ दो ही स्टांजाओं के बंदिश प्रचलित है, फर्स्ट स्थाई और दूसरा अंतरा। आज हम स्थाई सीखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम अंतरा सीखेंगे। मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला। अब ये जो दुर्गा के नोट्स है सारे मापा धसा, इसी सुरों में ये जो वर्ड्स है उनकी रचना की है। देखो पहले आरोह अवरोह गाएंगे राग दुर्गा का। सारे मापा देखो इसमें नोट्स कौन से लग रहे हैं, प प म म ध सा ध प म रे सा ध सा। मन मोहन मुरली वाला है।
Thank you.
कोशिश करनी है कि पूरे दो लाइन कंटिन्यूसली गा सके। रेडी, मैं हारमोनियम का आपको साथ दे रही हूँ, फिर से एक बार रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आपको ये जो स्थाई है ये आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। फिर से एक बार गाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको अंतरा सिखाऊंगी। ये जो स्थाई होता है ये मध्य और मंद्र सप्तक में मोस्टली गाया जाते हैं। जैसे कि अगर वो उस राग के जो वादी संवादी होते हैं उन पर ही इसके कौन से सप्तक में स्थाई गाई जाती है ये फिक्स होता है। जो राग है उसका ये जो स्थाई है ये मोस्टली मध्य और मंद्र, मध्य और मंद्र, मध्य मीन्स जो नॉर्मल रेंज का जो सप्तक होता है उसको ऑक्टिव भी कहते हैं, और उसके जो नीचे के सुर होते हैं उसको मंद्र सप्तक के सुर कहते हैं, और मध्य सप्तक के ऊपर के जो सुर होते हैं उनको तार सप्तक। ये पहले मैंने सिखाया है, तो ये ध्यान में रखना है। जो स्थाई होता है वो मोस्टली मंद्र और मध्य सप्तक में गाए जाते हैं। जो अंतरा होता है वो अंतरा जो होता है मध्य और तार सप्तक में गाए जाते हैं। अब हमने स्थाई देखा है, फिर से एक बार प्रैक्टिस करो और ध्यान दो कि कौन से सप्तक में ये जो स्थाई है ये गाई जा रही है। देखो, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मनमो मनमुरली वारावे, मनमो मनमुरली वारावे, मुरली वाला सखी है गाना, मुरली वाला सखी है गाना, मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है। अब नेक्स्ट अंतरा, अंतरा देखो, नी सदीना जाको ध्यान धरत है। ये पूरा कृष्ण के लीलाओं पर ही आधारित है। देखो,
ये है अंतरा। देखो पूरे कृष्ण का ही वर्णन है इसमें। निसदिन जाको ध्यान धरत है, मुनि निगम आगम गुण गावत है, जित जइए उत हम देखत है, शीश शीश मुकुट गले वनमाला। अब अंतरा जो है इस पर भी ध्यान देना है कि जो अंतरा है वो मध्य और तार सप्तक में है। स्वर वक्र लग रहा है, देखो उस पर निसदिन जाको दशा पद को ध्यान धरत है, सा 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 दशा। फिर से गाओ निसदिन जाको रिपीट करनी है। निसदिन जाको ध्यान धरत है, फिर से एक बार निसदिन जाको ध्यान धरत है। नेक्स्ट है जा रहा है, मुनि निगम गुण गावत है, गुण गावत है, सारे साध धम गुण गावत है, सारे साध धम निसदिन जाको ध्यान धरत है, मुनि निगम गम गुण गावत है, मुनि निगम गम गुण गावत है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार जो स्थाई है इस पीरियड में टाइम लिमिट के हिसाब से अभी सिर्फ हम स्थाई ही गा सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको अंतरा सिखाऊंगी। अभी सिर्फ जो स्थाई हमने सीखा है अभी तक, फिर से उसको एक बार हम रिपीट करेंगे। स्थाई है मन मोहन मुरली बाला है, रेडी। मन मोहन मुरली बाला है, मन मोहन मुरली बाला है।
दो अंतरा के लाइन सिखाए, देखो मी सदी न जानो ध्यान धरता है, मी सदी न जानो ध्यान धरता है, मुनि निगमा गुण गावत है। अब इस पीरियड में यही तक, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको दुर्गा का जो अंतरा है उसके दो लाइंस अभी बाकी है वो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए जितना मैंने सिखाया है स्थाई उसको आप प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।